नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रार्थना की शक्ति के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा मन दुखी होता है या फिर किसी चीज को लेकर हम चिंता करते हैं तो हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं भगवान से, उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है, ताकि वो जो भी बुरी चीजें हैं वह घटित ना हो और अच्छे सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में आए। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अर्चना करते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आए और हमारे जिंदगी में नई खुशियाँ लेकर आए। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं और उनकी शक्ति का ज्ञान करते हैं। तो आज हम जानते हैं भगवान की शक्ति यानी कि पूजा की शक्ति का महत्व। प्रार्थना करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी भी स्थान पर बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, उस जगह पर हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हम सिर्फ पूजा में ही ध्यान दें और उसकी शक्ति के ज्ञान को ही लें। कभी भी अगर हम पूजा करते हैं तो हम हमेशा ध्यान इधर उधर ही लगाना शुरू कर देते हैं। ये क्या कर रहा है? अगर हमारे पास कोई बैठा है तो उसकी तरफ ध्यान होगा, और नहीं बैठा है तो हम उस जगह पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। या तो हम पढ़ाई को लेकर तो कभी सोचते ही नहीं, सिर्फ अपने घर की में और आसपास की जो माहौल है उसी को लेकर चिंता करते रहते हैं और अपने नए फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। कभी भी पूजा पर फोकस करते ही नहीं है, और पूजा पर फोकस ना करने पर हमारे जीवन में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह हमारे जीवन पर आती ही नहीं है। यदि हम दिल से और साफ मन से पूजा करते हैं तो हमें उस ज्ञान का बोध होता है, और बोध के साथ हमें पूजा के बारे में अच्छे से पता भी चलता है। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को गहराई से नहीं जानेंगे तो उसके महत्व के बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। प्रार्थना करते वक्त हमने खास कर देखा है कि हम अपने जीवन में जिस चीज की आकांक्षाएं करते हैं हम उस चीज के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जो चीज हमें चाहिए तो वह हम भगवान से मांगते हैं और पूजा करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। लेकिन कभी भी भगवान ने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ आप अपनी विलासिताओं को पूरा करने के लिए उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति मांगते हैं। सोचते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी यदि हम ऐसा करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। जब तक हम पूजा का महत्व और पूजा की शक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें उस चीज का ज्ञान कभी नहीं होगा। क्योंकि जब हमें किसी चीज की पूर्ति करनी होती है तो उस समय हमें पूजा की याद आती है, यानी कि भगवान की याद आती है, और भगवान को याद करने का समय कभी भी निकाल लेते हैं, और निकालते समय हम भगवान को याद कर लेते हैं। लेकिन हमें याद करते वक्त फिर भी मन हमारा इधर से उधर घूमता रहता है। यदि हम मन को केंद्रित करें और मन को स्थिर रख के अपने मध्य बिंदु पर केंद्र करते हैं तो हमारी पूजा की शक्ति का महत्व पता चलता है और हमारी विलासिताओं का भी पता चलता है। क्योंकि जब हम समस्या में होते हैं या फिर कोई बाधा होती है तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ही पूजा करते हैं। यदि आप बिना किसी निस्वार्थ के भगवान की पूजा करते हैं तो उससे आपको कई गुना फायदे होते हैं और आपकी इच्छा की पूर्ति ज़रूर होती है, क्योंकि वह आपके सकारात्मक प्रभाव होते हैं। यदि आप अपने मन में ही ठान लोगे कि हमें ये करना है तो वह कार्य अवश्य ही हो जाएगा। यदि आप नकारात्मक रूप से उस चीज़ को सोचते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, होगा या नहीं, उसी में आपके मन में ही पता चलता है कि आपका मन ही खुद इधर उधर घूमता रहता है, जिस कारण से आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। यदि आप पूजा की शक्ति और ज्ञान के बारे में समझेंगे और गहराई से उसे जानेंगे तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये है पूजा की शक्ति का महत्व, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।